नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामले सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे में बिहार सरकार यह चाह रही है कि प्रदेश में जमीन से जुड़े हुए मामलों को जितनी जल्दी हो सके उसे कम किया जा सके। ऐसे में बिहार सरकार इन दिनों जमीन सर्वे का कार्य भी कर रही है, जिससे कि निजी जमीन के साथ साथ गैर मजरूआ जमीन की भी पहचान की जा सके, साथ ही साथ रैयत की जमीन को भी सही किया जा सके, जिससे कि प्रदेश में जमीन बंटवारे के मामले सबसे ज़्यादा हैं उसे कम किया जा सके। ऐसे में अब बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जमीन रजिस्ट्री के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि विभाग के पास इस तरह के बहुत सी शिकायतें सामने आई, जिसमें कि यह कहा गया कि जमीन रजिस्ट्री के समय अलग से पैसा देना पड़ता है, जिसके बाद से जमीन की रजिस्ट्री होती है, यानी कि टेबल के नीचे से पैसे देने के मामले सामने आए थे। ऐसे में अब बिहार सरकार ने इसके लिए अलग से पूरा काम कर दिया है, जिसमें कि अब आपको जमीन की रजिस्ट्री के अलावा एक भी रुपया नहीं देना होगा। जमीन रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प मिलेगा ऑनलाइन। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नए बदलाव के रूप में रजिस्ट्री स्टाम्प भुगतान शुल्क को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन हो जाने के बाद से अब आप किसी को भी अलग से एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अब आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल विभाग ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कई मॉडल के डीड तैयार किए हैं, जिसमें कि एक अलग से फॉर्मेट बनाया गया है। उस फॉर्मेट को भरकर आप खुद ही उसको एक तरह से कह लेंगे पूरी तरह से तैयार कर सकेंगे। साथ ही साथ आप विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि अब जो है निबंधन कार्यालय को कम से कम 20% रजिस्ट्री मॉडल डीड के अनुसार ही रजिस्ट्री करना है। आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में 125 निबंधन कार्यालय में इन नियमों का पालन करने को जो है एक तरह से कहा गया है। इधर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सभी जिलों के लिए अपर निबंधकों को इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसमें विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि पिछले 3.5 महीने में करीब 14,000 निबंधन मॉडल डीड के माध्यम से बिना किसी सहयोग के कराए गए हैं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया एक दिन के अंदर भी पूरी कर ली जाए। तो ऐसे में कह दें कि बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें रजिस्ट्री को लेकर जो है अलग से पैसे देने पड़ते थे और एक लंबा समय भी जो है उसमें गुजरता था। इस दौरान आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि माइल डीड में पूरी जानकारी व प्रक्रिया लिखी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अब बिना किसी भी व्यक्ति की मदद से आप ऑनलाइन डीड की कॉपी को तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निबंधन विभाग की साइट पर, यानी कि उसकी जो वेबसाइट है उस पर हिंदी में 31, अंग्रेजी में 31, उर्दू में 29 प्रकार के मॉडल का डीड जो है तैयार किया गया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन भुगतान करने को लेकर एक और छूट दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो आपकी जमीन रजिस्ट्री में छूट मिलेगी। मॉडल डीड को लेकर विभाग ने सहायता केंद्र भी खोलने की बात कही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों को लगातार कम करना चाहती है। इसी कड़ी में विभाग की तरफ से जमीन से जुड़े नियमों में लगातार बदलाव हमें देखने को मिलता है, जिससे कि आने वाले दिनों में प्रदेश में रैयतों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। सोमवार के दिन जब उन्होंने जनता दरबार की शुरुआत की, उसमें जमीन से जुड़ा हुआ मामला सबसे ज़्यादा सामने आया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से जमीन सर्वे का काम और जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।